उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के ग्राम मधुफरा बागलपुर में जलभराव की समस्या से ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि जलभराव की जो स्थिति बनी हुई है वह बारिश के पानी के निकास न होने के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है और स्कूल के बच्चों को भी आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जलभराव से बीमारी का भी खतरा बना हुआ है। देश में बीमारी को देखते हुए जल्द से जल्द निकासी का निवारण हो, जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने प्रधानपति टीटू कुमार से बात की, उन्होंने बताया कि दो तालाबों की सफाई हो गई है, बाकी तालाबों का कार्य बरसात के कारण रुका हुआ है। बरसात खत्म होने के बाद कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। पानी की समस्या को देखते हुए नाला बनवाने की जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर से मांग की गई है। परेशानी हुई आपको? परेशानी खुजली हो रही है पैरों में। किस चीज से हुई? इस पानी में बढ़ने से। ये पानी ऐसी भरा रहता है? ऐसी भरा रहे हैं, अभी तो हल्की हुई है, कल को देखियो 88% में। अच्छा, प्रधान जी साहब ने शिकायत करी? अजी कितनी बेर करी है, क्या कहते हैं, पूर्ति करवा दे, बस जरा सा यहाँ से निकलवा दिया, जरा सा वहाँ से निकलवा दिया, होगी सफाई। प्रधान जी ने जब तक पानी का सुधार आगे को ना हो तो कैसा हो जाएगा बताओ? कोई नाला साफ नहीं, कुछ नहीं, खाना पूर्ति करना है, फॉर्मेलिटी पूरी करी है, पैसा जेब में रखा है, छुट्टी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम, आपका नाम क्या है? मेरा शकीला है। शकीला जी, आपको कितनी परेशानी हो रही है पानी में बंधे रहने से? परेशानी हमारा तो निकला भी नहीं जाता हमसे तो। आपने प्रधान जी से शिकायत की? करी नहीं, सुन रहे। क्या बोलते हैं? अनुभव करवाएंगे करवाएंगे, बस अभी आया था हमसे। और मैं प्रधानपति हूँ, मेरी वाइफ का नाम तनसा रानी, मुजफ्फरबागरपुर से। यहाँ पर जल भराव की समस्या ग्रामीणों की, इसके बारे में क्या कहना है? जल भराव की समस्या है, जब यहाँ बरसात होती है तो पानी रास्तों में आता है ओवरफ्लो की वजह से, ठीक है। और जैसे कि अभी हमने दो तालाबों की सफाई कराई है, टंकी के पास एक तालाब है, इसकी सफाई कराई है अभी, और ये मैन बाजार में जो तालाब था उसकी भी सफाई हुई है अभी, लेकिन पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास जब तक नहीं होगा तो समस्या नहीं होगी। तो रेखा मुंड जी से भी हमारी गुजारिश रही है, मैंने लेटर भी दिया है, कि जो हमारा मेन रोड का नाला है ये PWD में आता है, तो ये मेन रोड का नाला छोहिया से अगर अटैच हो जाए तो हमारे गांव की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बाजार वाला जो तालाब है उसमें काफी गंदगी है, वहाँ के लोग बड़ी दुर्गति से वहाँ रह रहे हैं, समझ जा रहा है वो वहाँ पर रह कैसे रहे, इतनी बीमारी चल रही है आजकल, जैसे कि जानवरों में गाय में और भैंसों में चल रही है, वो इसी हिसाब से गंदगी इतनी है, तो वहाँ लोगों का रहना पर दुश्वार है। बाजार वाले तालाब पर अभी हमने सफाई चल रही है, अभी सफाई कराई है, उसमें कचरा खत्म जो था उसका वो सब निकाल दिया है, बाकी उसका खुदाई का है, जो भी खुदाई का जैसे भी होगा वो एस्टिमेट के हिसाब से चल रहा है। एक तालाब भारत मेन रोड पर है, उसमें भी काफी गंदगी नजर आ रही है, वहाँ के जो ग्रामवासी है उनमें काफी रोष है प्रधानमंत्री, उसमें आपके लिए क्या कहना? बस मेरा यही कहना है जी, काम चल रहा है उस पर, उसका पानी खाली करा कर उसमें हल्की सी खुदाई करा देंगे, बाकी जो नाला क्रॉस हो जाए तो पानी की समस्या